गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ, दिस इज आवर साइंस क्लास. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर नंबर टू. एंड दिस इज द सेवेंथ वीडियो ऑफ आवर साइंस सब्जेक्ट. यह हमारे साइंस सब्जेक्ट का सातवां वीडियो है. चैप्टर वन हमारा V1 से लेके V6 तक में कंप्लीट हो चुका है. जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लीज चैनल पर जाके वीडियो देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बट इस चैप्टर में हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. जैसे ह्यूमन बींग को प्लांट्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह जानवरों को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स आर हेटरोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफ्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दो तरह के मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. पहला ऑटोट्रॉफिक है और दूसरा हेटरोट्रॉफिक है. सारे ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट्स को, ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स आर हेटरोट्रॉफिक. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ग्रीन प्लांट्स के अलावा वो हेटरोट्रॉफ्स हैं. और हेटरोट्रॉफ्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, तीसरा ओमनिवोरस. ग्रीन प्लांट्स इसलिए हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, बाकी सभी किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हैं. जैसे कि हर्बीवोरस है वो जो है पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट है, कार्निवोरस दूसरे जानवरों पे, और ओमनिवोरस दोनों पे. वो पेड़ पौधे भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो आइए देखते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है एनिमल में वो क्या होता है. स्टूडेंट्स, एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, एनिमल्स में नहीं होगा. इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात की गई है. तो पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन और म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स टेक सॉलिड और लिक्विड फूड. होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एनिमल्स सॉलिड या लिक्विड फूड लेते हैं जो कि एनर्जी रिलीज करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन साइड देयर बॉडी, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. होलोजोइक न्यूट्रिशन तीनों में पाया जाता है, चाहे वो हर्बीवोरस हो, चाहे वो कार्निवोरस हो, चाहे वो ओमनिवोरस हो. पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल डिराइव देयर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स ऑफ और एनिमल्स. इसमें जो है एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन, जितनी न्यूट्रिशन की उनको जरूरत होती है वो खुद डिराइव करते हैं, चाहे वो एनिमल्स के थ्रू लें चाहे वो प्लांट्स के थ्रू लें. जैसे कि मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर द पैरासाइट्स. जैसे कि मच्छर, देखिए मच्छर क्या है, उसे जितने न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो किससे लेता है? ह्यूमन बींग से या दूसरे जानवरों या इंसानों से लेता है. वो क्या करता है? ह्यूमन ब्लड, फीड ऑन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड पे ही फीड करता है. ठीक है, एस्करिस एंड टेप वॉर्म आर पैरासाइट्स दैट लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. अब देखिए एस्केरिस और टेप वॉर्म एक दो ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि इंटेस्टाइन में ही रहते हैं और डाइजेस्टेड फूड को फीड करते हैं. सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेन ऑर्गेनिक मैटर. इस न्यूट्रिशन में जानवर क्या करते हैं कि जो चीजें खराब हो चुकी हैं, जो चीजें मृतक हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर में मिल चुकी हैं, उनसे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. जैसे मिलीपीड्स है, वुडलाइज है एंड डंग फ्लाइज है. अकॉम्प्लिश देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स बाय दिस मैथड. इस मैथड से अपना न्यूट्रिशन, जितने भी न्यूट्रिशन उनको रिक्वायर्ड होता है वो फुलफिल करती हैं. टर्न द पेज. म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन टू एनिमल्स लिव क्लोज टू ईच अदर विदाउट हार्मिंग एनिमल. म्यूचुअलिस्टिक का मतलब ही एक दूसरे से मिलजुल कर रहना. इसमें क्या होता है, जो दो जानवर होते हैं वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए रहते हैं. दे इंटरैक्ट इन सच अ मैनर दैट आइदर बोथ आर बेनिफिटेड और वन ऑफ देम इज बेनिफिटेड. वो इस तरह से रहती हैं या इस तरह से इंटरैक्ट करती हैं कि दोनों को ही बेनिफिट हो. अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन
इज द एसोसिएशन बिटवीन पायलट फिश एंड सार्क. पायलट फिश और सार्क के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन का. पायलट फिशेस क्या होती है, क्लिंग ऑन टू द बॉडी सर्फेस ऑफ सार्क एंड गेट देयर न्यूट्रिशन. वो सार्क से न्यूट्रिशन लेती है फ्रॉम द प्लेसेस वेयर द सार्क मूव अराउंड. जहां जहां सार्क जो है मूव करती जाती है वहां वहां उन स्थानों से वो जो है न्यूट्रिशन पाते रहते हैं. ये देखिए, यू कैन सी ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे जो है पायलट फिश सार्क जिधर जिधर मूव कर रही है वो भी उधर उधर मूव कर रही है और न्यूट्रिशन इस तरह से लेते हैं. होलोजेनिक न्यूट्रिशन. होलोजेनिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. ये स्टेप्स हैं जो होलोजेनिक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इगेशन. ओके, सो स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना ही. इन स्टेप्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे.